अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप साहब। आज मैं आप लोगों के साथ मुर्ग रोगन जोश की रेसिपी को शेयर करने लगी हूं, तो चले आए इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुर्ग रोगन जोश, जिसे कश्मीरी चिकन करी भी कहते हैं, उसकी ये रेसिपी है। तो उसके लिए यहां पर मैंने एक अदद चिकन ले लिया है। साथ में मैं इसमें शामिल करूँ यह एक कप मेरे पास तली हुई प्याज है, जिसे मैंने पीस लिया है। 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट है। और इसमें शामिल करूंगी 1 कप जो है ये दही का है। और इसमें सूखे मसालों में जाएंगे 3 टेबल स्पून भर के कश्मीरी लाल मिर्च का लिया है, 1 टीस्पून मैंने गरम मसाला लिया है, 1.5 टीस्पून सॉरी, और 2 टेबल स्पून भर के मैंने ये लिया है ड्राई जिंजर का, 1 टेबल स्पून भर के मैंने लिया है सौंफ का, 1 टेबल स्पून भर के मैंने लिया है सूखा धनिया, 1 टीस्पून ली है मैंने हींग, और 1/4 टीस्पून मैंने ली है जायफल का पाउडर। और खड़े मसाले जो हैं उसमें मैंने ली है 1 टीस्पून ये है काली मिर्च, 1 जो है दालचीनी का टुकड़ा, 2 ब्लैक कार्डिमम है, और इसके साथ मैं शामिल कर रही हूँ 3 छोटे छोटे ये बे लीव्स हैं, 5 जो है ग्रीन कार्डिमम्स हैं, 1 जो है ये जलवत्री का पीस है, और 7-8 जो लौंग है। अब ये जो खड़े गरम मसाले हैं इन सब का मैं फाइन पाउडर बना लूँगी। और इसके अलावा मैं इसमें शामिल कर रही हूँ टमाटो सॉस। तो आप चाहे टमाटर्स को खुद ही ग्राइंडर में ग्राइंड करके उसकी प्योरी से बना लें, या जो है टमाटो पेस्ट ले लें। मैं यहाँ पे जो है एक स्मॉल टिन जो है टमाटो सॉस का उसका इस्तेमाल कर रही हूँ। और इसको मैं बना रही हूँ कुकिंग ऑयल में, 1 कप लिया है मैंने, आप घी में, सरसों के तेल में, अपने मनपसंद किसी भी उसमें आप इसको कुक कर सकते हैं। तो चलें इसको आगे बनाना शुरू करते हैं। ऑयल जो है ये गर्म हो चुका है, तो सबसे पहले इसमें हम डाल देंगे लहसुन अदरक का जो पेस्ट था उसको शामिल कर देते हैं, और साथ ही हम इसमें अपनी चिकन को शामिल कर देते हैं, और उस वक्त तक चिकन को भून लेते हैं जब तक कि चिकन अपना कलर चेंज नहीं कर लेते। तो इसको मैं अच्छा सा पहले भून लेती हूँ और फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कि चिकन ने कलर चेंज कर लिया है। तो इसमें जो मसाले मैंने आपको दिखाए थे साबुत वाले, उनको भी मैंने पाउडर बना लिया था, और जो पाउडर मसाले थे उन सबको मैंने दही के साथ अच्छा सा मिक्स कर लिया था। अब इसको जो है हम अपने चिकन में शामिल कर लेते हैं। तो इसको जो है मैं शामिल कर लेती हूँ, और साथ ही हम इसमें शामिल कर लेंगे अपनी तली हुई प्याज जो मैंने पीस के रखी हुई थी, 1 कप है। और अगर आपके पास नहीं है तो आप जो है 4 मीडियम टमाटर लेके उनको फ्राई करके और पीस लें। तो आप इन तमाम चीज़ों के साथ मैं चिकन को खूब अच्छा सा भून लेती हूँ कि हमारा जो दही का पानी है वो भी ड्राई हो जाए और चिकन का, और फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। और इसमें साथ ही मैं नमक शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून। आप जो है अपनी पसंद से नमक को और मिर्चों को शामिल कर सकते हैं। तो ये भी मैंने शामिल कर दिया, और अब मैं इसको अच्छा सा भून लेती हूँ। देखिए दही का जो है पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है, तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे टमाटो सॉस को, और इसको भी डाल के मैं इसको खूब अच्छा सा भून लेती हूँ, और फिर मैं आपको आगे दिखाऊँगी। देख सकते हैं कि तमाम मसालों के साथ हमारा चिकन जो है बहुत अच्छा सा भून चुका है। अब इसमें आप अपनी पसंद के हिसाब से जितनी आप ग्रेवी रखना चाहते हैं उस हिसाब से आप इसमें पानी शामिल कर दें। तो मैं इसमें तकरीबन जो है 2 ग्लास के करीब पानी को शामिल कर रही हूँ, और जब इसमें उबाल आ जाएगा तो इसको ढक के तकरीबन मैं 15 से 20 मिनट तक अच्छा सा कुक कर लूँगी, ताकि हमारी चिकन जो है वो भी अच्छे से पक जाए। तो इसको जो है अब ढक के 15 मिनट तक मैं कुक करती हूँ, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कि हमारा बहुत ही मज़ेदार मुर्ग रोगन जोश बनके तैयार है। अब इसको मैं डिश आउट कर लेती हूँ और आपको दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कि हमारा बहुत ही मज़ेदार मुर्ग रोगन जोश बनके तैयार है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी, और मेरे चैनल को फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।